जयदेवपुर विधानसभा के मलदा गांव में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर चुनाव बहिष्कार का फैसला किया। इसी कड़ी में ग्रामीणों ने गांव के चौक चौराहों पर चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल में बदलने के लिए, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खुलवाने के लिए कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मौजूद है सच्ची जिले के जयपुर विधानसभा के मलदा गांव में। यहां गांव की स्वागत गेट पर दीवालों पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार का पोस्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कि ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव बहिष्कार का पोस्टर लगाया हुआ है। सीधे तौर पर हम यहां के स्थानीय ग्रामीणों से बात करेंगे कि क्या वजह है जो यहां विधानसभा चुनाव बहिष्कार को लेकर पोस्टर लगाया हुआ है। आप बताएंगे क्या वजह रही है जो आपको विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने का गांव में पोस्टर लगाना पड़ रहा है। मेरा नाम खेमराज कश्यप है। हम लोग करीब 8 से 10 साल पहले हम लोग डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री साहब से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे गांव की समस्या बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग भूपेश बघेल को दिए, हमारे क्षेत्रीय विधायक केशव प्रसाद चंद्रा को दिए, अनिल हमारे जो कहा जाए पीएस पुनिया को दिए थे, रामसुंदर दास को दिए थे, राम कुमार यादव को दिए थे, कलेक्टर एसपी हम लोग सभी को हम लोग दिए जनप्रतिनिधि को, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे समस्या पे मतलब आवाज को नहीं सुन रहे हैं। हमारे गांव के विकास और अन्य विकास को सुनने के लिए हमारे परिक्षेत्र में आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गाँव का बहुत से समस्या है और जो हमारे ग्रामीण स्तर बहुत से समस्या से जूझ रहे हैं। प्रमुख समस्या तो मेन है कि 11वीं-12वीं का उन्नयन होना चाहिए और हमारे गांव के सभी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। 8-10 किलोमीटर यहां से वहां जाने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जितना समय आने जाने में व्यतीत करेंगे उतना पढ़ाई लिखाई में करेंगे तो बहुत बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। इस विधानसभा चुनाव को बहिष्कार करने के लिए हम सर्वसम्मति से पूरे गाँव के सहयोग से हम इसको पूरा करेंगे। ये थे हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण, इनका साफ तौर पर कहना है कि 3 सूत्री इनकी जो मांग है, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल उन्नयन, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने। राजीव लोचन साहू, NH24/7 सचिव। एक और बड़ी